की पूर्ति के पीछे समाजों को तोड़ के फेंक देना, आपस में समाजों को लड़वा देना, ये साधुओं का कर्तव्य नहीं है, तो कसाइयों का काम है। और जो जो जीव साधु बनकर के भी इन्हीं कार्यों में संलग्न है, इन्हीं में लगे हुए हैं, वे साधु पद से भ्रष्ट हो चुके हैं, वे साधु नहीं हैं। क्योंकि साधु का काम, साधु कार्या तपाश्रुता, साधु का कार्य कहीं नहीं लिखा कि इसका करो, उनका करो, इन्हें बनाओ, उन्हें मिटाओ, इन्हें बिठाओ, उन्हें भगाओ, ये साधुओं का कार्य नहीं है। ये सामाजिक कर्तव्य समाज का काम है। साधु कार्या सुता तपा, जिस कार्य के लिए साधु बना जाता है वह कार्य है। ये सब तो तोड़ना बनाना निटाना ये सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, लड़ना झगड़ना ये सब बहुत अच्छे से जानते हैं। ये नहीं जानते उसका नाम आत्मानुभूति है। श्रावक लड़ाई झगड़े करना अच्छे से जानता है, तुम क्या सिखाओगे उनको लड़ना? श्रावक कसाय करना बहुत अच्छे से जानते, तुम क्या सिखाओगे इनको कसाय करना? ये तो जन्म जन्म से करते चले आ रहे हैं। साधु मठ मंदिरों का निर्माण करना, बनाना, गिराना, ये बहुत अच्छे से जानते हैं श्रावक, इनको साधु क्या सिखाएगा उनको? पर ये बेचारे संसार में भटकते जीव, भटकते प्राणी आत्मानुभूति लेना नहीं जानते, ये अपने जीवन को संयमित करना नहीं जानते। ये कार्य साधु का है कि इन्हें इनको आत्मानुभूति तक पहुंचाओ। जब समुद्र ही पानी पीने लग गया है, जब तालाब ही अपना पानी सोखने लग गया है, अब बेचारा प्यासा पानी पीने के लिए कहाँ जाएगा? साधु ही हठधर्मी हो गए हैं, साधु ही कसाएं करने लग गए हैं, साधु ही लड़ाई झगड़े करवाने लग गए, साधु साधु को देख करके मुंह भी दौड़ने लग गए हैं। अब बेचारे ये सेवक, ये श्रावक उस साधुपने की अनुभूति लेने अब कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? ये आचार्य श्री की बड़ी वेदना है। मैं मेरे शब्द नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं आचार्य श्री के शब्द बोल रहा हूँ। एक दिन प्रवचन में आचार्य श्री ने यही शब्द कहे थे कि जब तालाब ही पानी सोखने लग गया है, वही अपना पानी पीने लग गया है, अब ये बेचारे प्यासे श्रावक कहाँ जाएंगे? साधु ही असाधुता के कार्य करने लग गए हैं, अब बेचारे श्रावक साधुता खोजने के लिए कहाँ पहुंचेंगे? इसलिए साधु कार्या तपश्रुता, साधु के तो दो ही कार्य प्रसिद्ध हैं, वे ही करने योग्य हैं, अपने तप में लीन होना चाहिए और स्वाध्याय ध्यान आदि में लीन होना चाहिए। ऐसा करता साधु ही शोभा को प्राप्त होता है। अब हम चौराहे पे खड़े होके ये प्रवीण भैया को दो चार गाली सुनाते मिल जाए, या इनको इनके ऊपर झुंझलाते चिल्लाते मिल जाए, तो बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति सोचेगा, महात्मा जी, महात्मा जी तुमने घर काय छोड़ दो, महात्मा जी तुमने मताई बाप काय छोड़ दे, बुंदेलखंडी में बोल रहा हूँ, महात्मा जी तुमने अपनी धन संपत्ति काय छोड़ दी। जब ये चौराहों पर लड़ाई झगड़े ही करना थे, चौराहों पर नौटंकियों का प्रदर्शन ही तुम्हें करना था, कसाय ही तुम्हें करना थी, तो घर छोड़कर क्यों आ गए? क्यों महावीर के मार्ग को दूषित कर रहे हो यहां करके? तुम घर में ही ठीक थे, कम से कम मार्ग तो तुम्हारे कारण से दूषित नहीं होता था। आपने दिगंबर वेश धारण कर लिया, आप व्रति अनुव्रति महाव्रति बन गए, और महाव्रति अनुव्रति बनकर भी यदि वही कार्य करते मिल रहे हो जो ग्रस्त में श्रावक करता है, तो फिर तुम में और श्रावक में भेद क्या बचा? फिर क्यों अष्टद्रव से तुम्हारी श्रावक आकर के पूजन करे? फिर क्यों तुम्हारे प्राश्रुप जल से श्रावक पाद प्रक्षालन करे? फिर क्यों तुम्हारी जय जयकार लगा करके तुम्हारा तुमको जयवंत करे? इसीलिए तो वह तुम्हारे पास आता है, क्योंकि जो तुम नहीं कर पाते, जो वह नहीं कर पाता है वो तुमने किया है। वह विषय वासनाओं से मुक्त नहीं हो पाता है, आप हो गए हो। वह कषायों से मुक्त नहीं हो पा रहा है, आप हो गए हो। वह परिग्रह का संचय बंद नहीं कर पा रहा है, आपने बंद कर दिया है। फिर भी बटोरते मिल जाओ तो फिर कैसे कहेंगे कि तुम साधु हो? इसलिए जीवन में पद की गरिमा जरूर आना चाहिए। पद है
पद है तो फिर उस पद की गरिमा भी रखना हमारा कर्तव्य बनता है। किसी ने हमें घर का मुखिया चुना है, हमारा कर्तव्य बनता है। घर वाले तो गलतियां करेंगे, 10 गलतियां करेंगे, वहां हमारा कर्तव्य बनता है। चूंकि आप मुखिया हो, आपको गंभीर होना पड़ेगा। मुखिया ही झुंझलाने लग गया, मुखिया ही कसाएं करने लग गया, तो फिर समाज का क्या होगा, घर का क्या होगा, घर तितर बितर हो जाएगा। कई स्थानों पर आप भले ही कितने बड़े स्थान पर क्यों ना बैठे हो, एक छोटा सा भी व्यक्ति, आप ध्यान रखो कभी भी, कोई बड़ा आदमी होता है और कोई राह चलता देसी टाइप का आदमी जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा व्यक्ति किसी बड़े आदमी को गाली दे देता है, बड़ा आदमी नींची मुंडी करता है और ऐसे निकल जाता है जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। अभी तो गाली दी है, किसी ने सुनी नहीं है। यदि मैं इससे मुंह लड़ाऊंगा, यदि मैं इससे विवाद करता हूं, तो अभी तो चार लोगों ने सुना नहीं है, अब चार लोग सुने, सभ्य पुरुष क्या करेगा उस समय, श्रेष्ठ पुरुष गुणी पुरुष क्या करेगा उस समय, वो अपने ईगो को उठा करके भी साइड में रखेगा और उस समय नीची मुंडी करके धीरे से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी किसी ने सुना नहीं है। अब अगर मैं इससे बहस करूंगा, मैं इससे झगड़ूंगा, चार लोग और सुन लेंगे, अभी तो गाली किसी ने नहीं सुनी थी, अब चार गालियां और सुनेंगे, क्योंकि वो तो नीच है, वो तो अधम पुरुष है, चार गाली और देगा अभी वो। आप उससे बहस करो, वो चार गाली और सुनाएगा, फिर आपको कषाय आएगी, आपको क्रोध आएगा, फिर आप थोड़ा और बोलोगे, हो सकता है वो हाथ उठा दे। तो आपकी भलाई इसी में है, श्रेष्ठ पुरुषों की भलाई इसी में है कि अधम पुरुषों के मुख नहीं लगना चाहिए। नीची मुंडी करो, वहां से निकल जाओ। ऐसे जो हठी पुरुष होते हैं, हठी स्त्रियां होती हैं, इनको ज्यादा स्थान नहीं देना चाहिए। हठी स्त्री को अगर तुमने अधिक स्थान दे दिया, जाने किस समय में कौन सी हट कर बैठेगी और आपके पूरे घर को बर्बाद कर देगी। एक हट ने, एक वचन ने पूरे राज को तहस नहस कर दिया। बेचारे दशरथ बड़े परेशान, क्या करूं। ऐसी उस ऊहापोह की स्थिति में और ऐसी अवस्था में दशरथ ने जब निर्णय किया कि मुझे भरत का अभिषेक करके शीघ्र ही यहां से निकल जाना चाहिए, क्यों, अनेक अनेक पर्याय मैं धारण कर चुका हूं, यह स्थिति मेरे सामने पहली बार नहीं बनी है। ऐसी अवस्थाओं को मैं अनेक अनेक जन्मों में अनेक अनेक बार भोग चुका हूं। कभी मैं ही श्रेष्ठ पुरुष बनता हूं, सुख को प्राप्त करता हूं, कभी मैं ही अधम पुरुष नीच पुरुष बनकर के कष्टों को भोगता हूं, कभी मैं राजा बनकर के सुशोभित होता हूं, तो कभी मैं ही दरिद्री बनकर के, भिखारी बनकर के दर दर की ठोकर और भीख मांगते नजर आता हूं, कभी मैं लोगों का प्रिय होता हूं, तो कभी मैं लोगों का निंदनीय हो जाता हूं, उनका शत्रु बन जाता हूं, कभी स्वर्ग की संपदा को भोगता हूं, तो कभी नरकों के कष्टों को भोगता हूं, तो कभी नाली में पड़ा हुआ कीड़ा बनकर के उस तिरस्कार को पाता हूं, कभी मन में, अपने ही मन में जाकर के मैं कीड़ा बन जाता हूं। ये संसार की बड़ी विचित्रता है, इसलिए मुझे राम चले गए इसमें भी कहीं ना कहीं दैव्य का कर्तव्य है। राम चले गए, राम को जाना पड़ा, इसमें भी कहीं ना कहीं दुर्भाग्य काम कर रहा था। भरत बैरागी हुआ है, इसमें भी कहीं ना कहीं देव काम कर रहा है। अपराजिता आदि रानियां अश्रुपात करती हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं दैव्य काम कर रहा है। दैव्य अर्थात भाग्य, कर्म, कर्मों का उदय, इसमें भी कहीं ना कहीं कर्मों का उदय कार्य कर रहा है। इसलिए मुझे क्षोभ को छोड़ते हुए, इस राज का मोह छोड़ते हुए और सारी संपदा आदि और वैभव आदि के, तो वैभव आदि को सबको, इनको ऐसा का ऐसा ही छोड़ते हुए, क्योंकि इसे मैंने भवों भवों में प्राप्त किया है लेकिन इससे मुझे तृप्ति नहीं हुई है, इसलिए इसको छोड़ते हुए मुझे वह प्राप्त करना चाहिए जिससे मुझे तृप्ति की अनुभूति हो, आत्म विशुद्धि प्राप्त करना चाहिए। मैं जब तक यहां ठहरूंगा
तब तक ये संकलेशता और ये कष्ट की स्थिति मुझे घेरे ही रहेगी। शीघ्र ही उन्होंने एक उचित तिथि निकलवा करके भरत का राज्याभिषेक किया और राज्याभिषेक करके 72 बड़े बड़े राजाओं के साथ वे दशरथ वन में जाकर सर्वभूत मुनिराज के पास दिगंबरी दीक्षा को प्राप्त हो गए। दशरथ को उत्तम 28 मूल गुणों से विभूषित 6 आवश्यक क्रियाओं से सुशोभित ऐसा वह मुनिपद उन्होंने प्राप्त कर लिया। यद्यपि वे ध्यान में एकाग्रचित्त अकेले ही अपनी आत्मा को निहारा करते थे, परंतु उनके दर्शन मात्र से न जाने कितने जीवों को मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता था। न जाने कितने जीव उनको देख करके अपनी ध्यान की अग्नि को प्रज्वलित कर लेते थे, न जाने कितने ही जीव उनके दर्शन करके अपने कर्मों का क्षय करते थे। इस प्रकार वे राजा दशरथ उग्र उग्र तप को धारण करते हुए क्षेत्र क्षेत्र स्थान स्थान में वन वन में भ्रमण करते रहे। इधर राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करके भरत जैसे किसी सामान्य पुरुष के ऊपर 1 क्विंटल गेहूं का कट्टा किसी ने उसके ऊपर भार रख दिया हो, ऐसा उस लक्ष्मी को राज्य लक्ष्मी को भारभूत देखता हुआ वह बैरागी भरत घर में ही वैराग्य को प्राप्त होकर चिरकाल तक राज्य संचालन करता रहा। एक दिवस जब भरत को इस बात का पता लगा कि हमारे प्रिय भ्राता रामचंद्र जी भावज सीता और अग्रज लक्ष्मण त्रिकूटाचल पर्वत के निकट हैं, तो उसका मन हुआ कि बहुत समय हो गए मैंने भाई के दर्शन नहीं किए, इसलिए बहुत ही शीघ्रगामी 1000 घोड़े जिन पर बड़े बड़े राजे महाराजे बैठे हुए थे ऐसे बड़े वैभव के साथ भाई 1000 सुभटों के साथ रामचंद्र जी के पास पहुंचा। जाकर उसने पुनः निवेदन किया कि हे भाई तुम्हारे बिना सारा नगर सूना है, मैं राज्य संचालन तो करता हूँ परंतु किसी को भी प्रीति उत्पन्न नहीं होती है, मेरा स्वयं का ही चित्त उदास है, तो मैं प्रजा को क्या सुख और समृद्धि दे पाऊंगा, इसलिए मेरा बार बार करबद्ध निवेदन है आप पुनः उस राज सिंहासन को सुशोभित करो, आप यहां मत रहो वापस चलो। परंतु राज ने कहा भरत तुम विवेकी जीव हो, तुम ज्ञानी हो, मैं जानता हूं भ्रातृ प्रेम में पढ़कर इस समय तुम ये सब कह रहे हो, परंतु क्या तुम ये नहीं जानते कि क्षत्रिय पुरुष जिस कार्य को अपने हाथ में लेते हैं उसको पूरा करकर ही दम लेते हैं। क्षत्रिय पुरुष रणभूमि में यदि जाते हैं तो या तो शत्रु का मान मर्दन करते हैं अथवा अपने शीश को वहीं भूमि में समर्पित कर देते हैं। फिर जिस राजलक्ष्मी को जिस अयोध्या नगरी को मैंने त्याग दिया है छोड़ दिया है उसकी ओर मैं पुनः वापस कैसे लौटूंगा, इसलिए योग्य कार्य यही है तुम राज्य का संचालन करो। बहुत अनुनय विनय करने पर भी जब राम वापस नहीं लौटे तब भरत उदास चेहरा लेकर के और पुनः वापस चले गए। उनके वापस जाकर के उन्होंने बहुत समय तक चिरकाल तक राज्य का संचालन किया। भोगों को भोगते हुए भी वे भरत सदा उन भोगों से उदास रहते थे। यद्यपि महारानियों को संतुष्ट करने के लिए क्रीड़ा आदि किया करते थे परंतु वहाँ उन क्रीड़ा में उनका किंचित मात्र भी मन स्थिर नहीं होता था। उनको तो हर समय बस यही लगता था कि इस राज का संचालन करता आ जाए और मैं इससे मुक्त हो जाऊं। जब बहुत समय व्यतीत हो गया तब पास के ही वन में
एक दुती नाम के आचार्य अपने ससंग वहाँ पधारे। भरत धर्मात्मा जी अपने पूरे परिवार दलबल के साथ उन मुनिराज के जब दर्शन करने गया, तब उसने भरत ने मुनिराज की तीन प्रदक्षिणा दे करके और प्रदक्षिणा दे करके उनको बारंबार पृथ्वी पर मस्तक लगा करके नमस्कार किया। आप लोग कैसे करते हो? आप लोग ऐसे करते हो क्या? राजा भरत, अयोध्या का राजा भरत, पृथ्वी पर जो एक छत्र राज करता ऐसा भरत, जैसे ही उसने दूर से मुनिराजों को देखा, अपने रथ से उतर करके मुनिराजों की वशतिका में पग पग गमन किया, पैदल चला। आपकी गाड़ी तो सीधी गेट पे आके लगती, पग पग विहार किया। मुनिराजों को देख करके जो अपना आसन नहीं छोड़ता है, मुनिराजों को देख करके, मैं नहीं बोल रहा हूं ऐसा, आगम कथन कह रहा हूं, मुनिराजों को देख करके जो अपना आसन नहीं छोड़ता है, उठ करके उनका सम्मान नहीं करता है, वह जीव मिथ्या दृष्टि है, वह जीव नरकगामी है। क्योंकि तीन लोक की पूज्य दिगंबर मुद्रा, इसमें भेष मत देखो, पुरुष मत देखो, यह मुद्रा त्रिलोक पूज्य है, स्वधर्म इंद्र जैसा, चक्रवर्ती जैसे महान महान लोग भी इस मुद्रा के सामने नतमस्तक होते हैं। योगी सागर जी, अब अपन लोगों का कर्तव्य बनता है कि अपन ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे ये दिगंबर मुद्रा, तीन लोग की पूज मुद्रा अपमान को प्राप्त हो जाए। हमारे द्वारा ऐसा कोई कृत्य, ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए। बहुमान आना चाहिए, बहुमान आना चाहिए। जब जब सामायिक में बैठना, जब जब सामायिक में बैठते हैं, इस बात का बहुमान आना चाहिए, अहो मेरा भाग्य मैं कैसी त्रिलोक पूज्य मुद्रा को प्राप्त हुआ हूं। सामान्य मनुष्यों की तो बात क्या, इस मुद्रा के सामने साक्षात सौधर्मेंद्र स्वर्ग की विभूति छोड़कर के आकर और नमस्कार करने के लिए यहां इस पृथ्वी पर आता है, वहां नहीं मिलती, वहां नहीं मिलती। स्वर्ग में दिगंबर मुद्रा देखने को नहीं मिलती है, सौधर्म इंद्र को दिगंबर मुद्रा के दर्शन करने के लिए इसे ब्रह्मांड में आना पड़ता, यहां आना पड़ता है, भरत क्षेत्र में आना पड़ता है, ऐरावत क्षेत्र में आना पड़ता है, विधि क्षेत्र में आना पड़ता है। पर चूरन चट्टी करते मिल जाए मुनिराज, ऐसे कोई कार्य करते मिल जाए मुनिराज जो निंद है, मुनि अवस्था में नहीं किए जा सकते हैं, तो बड़े शर्म की बात है कि इतनी इतनी उत्कृष्ट अवस्था, अमूल्य वस्तु को प्राप्त करके भी तुम अभी तक वो चूरन और चटनी में ही लगे हो। स्वानुभूति का आनंद कब लोगे? आचार्य भगवंत ने एक बार किसी से प्रश्न किया, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि नाम से आप सब लोग परिचित हैं। आचार्य भगवंत ने एक जीव से प्रश्न किया कि आचार्य गुरुदेव ने हमें एक छोटा सा काम सौंप दिया था, तो हमारी तो रातों की नींद गायब हो गई थी कि भैया जब जल्दी से एक काम कब निपट जाए। सामायिक में भी वही काम नजर आता था, स्वाध्याय करते तो वही काम दिखाई देता था, और लगता था कैसे ये काम जल्दी निपट जाए। आप इतने बड़े बड़े कार्य हाथ में लिए बैठे हो, आपको विकल्प नहीं आता? उनके शब्द में आपको सुनाता हूं, सरल हृदय जीव होगा तो अंतर आत्मा की बात कहेगा, साधु पुरुष होगा, अस्ति पुरुष चिदात्मा, तो साधु पुरुष में साध्वी साधु सब जाते हैं, तो साधु पुरुष होगा तो हृदय की बात को स्पष्ट कहेगा। उन्होंने कहा हमारा सही बात बताएं। तो जिस दिन से यह प्रोजेक्ट हमने हाथ में लिया है, उस दिन से हम सामायिक नहीं कर पाए, क्योंकि कभी तो ये याद आता है कि इस काम में भी कितना कार्य, कितने और करवाना, से ऐसे पूरी खुल के बात नहीं बता रहा हूं मैं, इस कार्य को करवाने के लिए कितनी पत्थर मंगाना पड़ेंगे, कहां से धन मंगाना पड़ेगा, कहां से इकट्ठा करना पड़ेगा, कहां से ये करना पड़ेगा, कहां से वो, कौन सा इंजीनियर बुलाना है, कौन सा क्या करना, इतने विकल्प खड़े हो गए हैं। जब तक ये कार्य पूरा नहीं हुआ, मैंने नियम भी कर लिया है कि ये कार्य पूर्ण होगा फिर जीवन में कोई दूसरा कार्य नहीं लूंगा।